देखो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी 8.5 वोल्ट है, जब करंट 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एक पॉइंट को समझो पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि अगर आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ पर कोई इंटरनल होगी और ऊपर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगी। और क्वेश्चन में वो क्या मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज 8.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कितना है, 8.5 वोल्ट। ये वी गिवन है आपको, वी। जब करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम 3 एम्पियर, किसमें, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपका जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसकी ना दो इंटरप्रिटेशंस हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कई लोग ऐसे मान लो करंट बोलते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव कई लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे करंट जा रहा है। आप क्या लेंगे, ये वाला जो बनाया है या बाहर बाहर वाला, उसने ये नहीं कहा कि करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। वो कहानी किसकी सुना रहा है, बैटरी की। बैटरी के अंदर बता रहा है करंट जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फिर बाहर करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव से जब करंट नेगेटिव में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस चार्जिंग। तो इसमें V क्या होगा, E माइनस IR। तो V की वैल्यू 8.5 है, E मुझे पता नहीं, करंट मुझे पता है, इनटू R, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में वो ये कह रहा है कि जब करंट 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 11 हो गया, वैसे भी पता लग रहा है इसमें कम हो गया इसमें ज्यादा हो गया, तो ये क्या है, डिस्चार्जिंग, और ये क्या है, वैल्यू से पता लग रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, चार्जिंग। तो इसमें जो सेकंड केस बनेगा वो किसका बनेगा, चार्जिंग। चार्जिंग में वी क्या लगेगा, ई प्लस आई आर, क्योंकि बैटरी के अंदर वो करंट कह रहा है ऑपोजिट हो गया, अंदर प्लस से माइनस, तो अगर करंट प्लस में एंटर कर रहा है तो चार्जिंग। तो 11 इज इक्वल टू ई, पता नहीं, ये 2 और ये आर, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई और आर कैन बी कैलकुलेटेड। सही है यहां तक? तो ये जो कहानी सुना रहा है बैटरी के अंदर की सुना रहा है, बाहर की नहीं सुना रहा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी वैल्यू से पता लग ही रहा है, जो छोटी वैल्यू है उसमें डिस्चार्जिंग है वैट वी की, और जो बड़ी वैल्यू है वो चार्जिंग है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है,